शांति है उनकी वजह से, वो जो बोलेंगे हम लोग वैसे करेंगे, उनके साथ है। हाँ वो जो भी होगा सब शांति शांति, हम लोग शांति चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, सीएबी लागू हो गया है तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग नहीं चाहते, नहीं चाहते चालू हो, हम लोग नहीं चाहते हैं सीएबी और एनआरसी जो हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में लागू हुआ है उसे हम लोग हटाना चाहते हैं और बड़े ही आराम से हटाना चाहते हैं। हम लोग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि आप एकदम इज्जत से यहाँ से सीएबी और एनआरसी को हटा लीजिए, और नहीं तो जिस तरह आसाम जल रहा है पूरी हिंदुस्तान जलते हुए नजर आएगी आपको, क्योंकि आप लोग जिस हिसाब से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये अलग अलग करने में लगे हुए, ऐसा ना होगा। हम लोग सब भाई भाई हैं, हम लोग सब आपस के मिल जुलाप के रहते हैं, हम लोग ईद भी मनाते हैं और दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, सब मिलजुल के रहें और सब मिलजुल के हम लोग साथ देना चाहते हैं। इसलिए आप लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग मिलजुल के रहें और ये सीएबी एनआरसी हटाए। अच्छा ये बताइए, जिस तरह सीएबी यहाँ पे लागू हुआ है देश में, तो आप लोग क्या कहेंगे इसको लेकर? सीएबी वापस दीदी आपके साथ है, दीदी के साथ आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पे शांति है, पूरा हिंदुस्तान से सीएबी वापस लो। बहुत गलत हुआ लोगों के साथ, वो तो पढ़ने के हिसाब से गए ना, वहाँ पर तो अच्छा नहीं हुआ लोगों के साथ, लोगों के साथ जो भी हादसा हुआ।